हम है ब्यूटीफुल लवासा में, ये है थर्ड जनरेशन ऑफ द फेमस KTM 390 ड्यूक। माइंड यू दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ वॉक अराउंड वीडियो, मैं इस बाइक के बारे में कोई रिव्यू नहीं दूंगा, चलाने में कैसी है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, बट आपको बता सकता हूं कि क्या कुछ बदला है। डिजाइन इज कम्प्लीटली न्यू नाउ, क्यों? क्योंकि ट्रेलिस फ्रेम जो है वो नया डिजाइन किया गया है, सब फ्रेम एल्यूमिनियम का है, बाइक जो है अब 3.7 किलो हल्की है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये बड़े टैंक श्राउड्स मिलते हैं जो प्लास्टिक के हैं, फ्यूल टैंक मेटल का है, 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, दैट मींस अब शायद जो है टूरिंग रेंज वो अच्छी खासी है आपको दे पाएगी। फ्रंट पे आपको ब्रांड न्यू सेटअप ऑफ LED हेडलाइट मिलता है, साथ में 4 स्प्लिट DRLs LED ऑब्वियसली, एंड साथ ही साथ आपको कंप्रेशन एंड रिबाउंड का 5 स्टेप एडजस्टेबल WP Apex USD सस्पेंशन मिलता है, 17 इंच अलॉय व्हील्स, KTM ऑरेंज कलर, लुक्स अगेन कांट टेल यू, आप जरूर बताइए आपको अलॉय व्हील्स कैसे लग रहे हैं, डिजाइन इज ब्रांड न्यू, एंड साथ ही साथ 320 मिलीमीटर का जो डिस्क ब्रेक है वो कम्प्लीटली नया है, राइट साइड पोजीशन कर दिया गया है, उससे भी क्या कुछ फर्क पड़ा है ब्रेकिंग पे वो भी रिव्यू में आप जानिएगा। साइड प्रोफाइल, यू हैव दिस सीट हाइट विच इज नाउ लोअर देन द प्रीवियस मॉडल से ये नीची है, दिस इज 800 मिलीमीटर, यानी एक एवरेज इंडियन बायर के लिए अब इसको चलाना शायद ईजी हो जाएगा। अंडर दिस यू गेट अ ब्रांड न्यू 399cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, ये अब थोड़ी सी पावर थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा बनाता है, 46 PS ऑफ पीक पावर, 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क, 6 स्पीड ट्रांसमिशन, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच, ड्यूल चैनल ABS, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एक ब्रांड न्यू 5 इंच TFT कलर कॉन्सोल जिसमें आप अपने ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन देख सकते हैं, 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिलते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रीट, सेकंड वन इज ट्रैक एंड थर्ड वन इज रेंज, जिसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट जहां पर आप इस बाइक को राइड कर रहे हैं, बाइक का बिहेवियर चेंज हो जाता है। स्विच गियर अगेन इज कम्प्लीटली न्यू, क्वालिटी कैसी है नहीं बता सकता, दिस इज द ओवरऑल डिजाइन। टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल आपको पिलन सीट के साथ में मिलते हैं ये स्टर्डी ग्रैब रेल्स, ये भी लाइटर हैं देन द प्रीवियस मॉडल तकरीबन आधा kg। इंटरनेशनल मॉडल की तरह आपको रियर पे टायर हगर नहीं मिलता है जिसकी वजह से बाइक 1 किलो और हल्की हुई है, LED इंडिकेटर्स एंड यू गेट दिस प्लास्टिक रियर प्रोफाइल जिसकी वजह से मॉनसून में स्प्लैशेस जो हैं वो आपकी बैक पे नहीं आएंगे, 17 इंच अलॉय व्हील एट द रियर, अगेन मेडजलर के टायर मिलते हैं आपको इस पे, रियर प्रोफाइल जो है दैट इज 150, जो विड्थ है टायर की दैट इज 150 नाउ, रियर डिस्क ब्रेक अगेन इट्स अ 240 मिलीमीटर रोटर, बाय ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, ऑफसेट रियर प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन, ये कम्प्लीटली नया है, बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल था कि क्यों ऐसा है, वो भी आपको रिव्यू में पता चलेगा ये किस लिए ऐसे डिजाइन किया गया है, बट इसके नीचे आपको मिलती है एक नया स्विंग आर्म का डिजाइन जो कि हल्का है, जो कि बेहतरीन है, जो आपको स्टर्डीनेस प्रोवाइड करता है, जिसे KTM इंडिया बनाना डिजाइन बोलती है। ओवरऑल दिस इज हाउ द ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लुक्स लाइक, इट डज ऑफर यू क्वाइट अ लॉट, this is offered in different colors, you want to opt for this one, the bike will cost you rupees 3.10 lakhs ex showroom, price has increased now but the overall motorcycle has also evolved, kya kuch behtareen hua hai, kya kuch nahi hua hai, what are the cons of this new motorcycle and should you buy this or should you go for the rivals like the newly launched TVS Apache RTR 310, we will tell you once our official review drops on 17 September, until then please keep watching 91 wheels and please ride safe.